जो समस्या उत्पन्न हो गई, अभी एक अनुदेशक कमेंट लिख रहा था कि सुबह पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, कैसे मैनेज होगा महंगाई में ये सब? पेट्रोल के पैसे नहीं है, सुबह नहीं आएगा तो एब्सेंट लग जाएगी, एब्सेंट लग जाएगी, वेतन नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, महंगाई से तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक इतना आहत है, हम अपनी स्वयं की बात बताते हैं सर, गोरखपुर के जितने ओवर ब्रिज हैं, जब उस पे हम लोग चढ़ते हैं तो चढ़ते वक्त तो गाड़ी स्टार्ट रहती है, और जैसे उतरने का समय आता है तो गाड़ी को खूब तेज करके गाड़ी को ऑफ कर देते हैं कि कुछ तो तेल हम लोग बचा पाए। और हम लोग सबसे शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं इस विद्यालय जाने के लिए, क्योंकि हम लोग की स्थिति इतनी खराब है सर, अब 300 रुपया मिलता है, 300 रुपया में 200 250 तो प्रतिदिन, इतने दूर दूर जो लोग जाते हैं उनका पेट्रोल नहीं चला जाता है, घर के खर्चे किस प्रकार से चल रहे हैं, यदि माँ बाप का सहयोग नहीं रहता है, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश का अनुदेशक को कोई जिला रहा है वो भाग्यशाली है कि उसके माँ बाप है, तभी वो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक 9000 में अपना परिवार चला पा रहा है माँ बाप के सहयोग से। लेकिन जिसके माँ बाप नहीं है या जिसके माँ बाप है नौकरी में नहीं है, उसकी तो स्थिति इतनी खराब है सर कि उनके घर आप जाएंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि यही वो भारत देश है जहां बड़े बड़े लंबे चौड़े बातें होती है, लेकिन उनके घर में जाकर देखिए, उन अनुदेशक के घर में उनके बच्चों को देखिए, वो बच्चे कुपोषण के शिकार हो गए हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, पीने के लिए दूध नहीं मिलता, पढ़ने के लिए किताब नहीं मिलती, अच्छे स्कूल में वो एडमिशन नहीं करा पाता, जब उनके बच्चे बीमार होते तो उनका वो अच्छे से दवा दारू नहीं करा पाता। तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक वो महंगाई से इतना आहत है सर कि हमारे पास शब्द नहीं है कि उसके बारे में हम आपको बता सके सर।